तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। एंड आज हम देखने वाले हैं अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स के सीएसएस सीरीज में फॉन्ट स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे कि फॉन्ट स्टाइलिंग कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारी हेडिंग में जो ट्यूटोरियल का टाइटल है कि जो टेक्स्ट को हम इटैलिक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इटैलिक कैसे कर पाएंगे यूजिंग सीएसएस प्रॉपर्टी, तो वो हम आज देखेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे सीएसएस में जानते हैं, जैसे कि सीएसएस में हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। देखिए, एज अ बिगिनर मैं आपको इसलिए एक एक करके सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक एक करके नहीं सीखेंगे तो। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको इटैलिक करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि आपको नीचे दी गई हैं। एक होती है नॉर्मल, एक होती है इटैलिक। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे हमने और भी कई सारी प्रॉपर्टीज देखी सी एस एस में, जिसमें हम प्रॉपर्टी लिखते हैं एंड वैल्यूज लिखते हैं। लाइक जो भी हमने देखा होगा कि कलर प्रॉपर्टी है एंड वैल्यू हमने जो भी कोई वैल्यू दी, रेड या येलो। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे और आई होप आपको ये समझ में भी आएगा। ठीक है, और हमारी वेबसाइट है cybercollege.info, जिस पे आप विजिट करते रहिए, आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये तो बेसिकली मेरा डॉक है, इसे मत देखिए, ये आपको समझने में भी नहीं आने वाला। ठीक है, मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम्स पर राइट क्लिक करूँगा और एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और जिसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने जो चलो यहीं पे मैं सेव कर देता हूँ अपनी फाइल का नाम। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ italic.html। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और करीब से दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हम HTML का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि आप जानते ही हैं HTML में स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है, और टाइटल में आप जो कुछ भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इटैलिक एग्जांपल। ठीक है, आप मोबाइल में भी सेम इस तरीके से कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक टेक्स्ट को इटैलिक करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, सीएसएस की हेल्प से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं, ना कि कोई हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे हैं, ना इनलाइन भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज करें जब आप किसी भी वेब पेज में वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, H1, जिसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, एंड मैंने ये कंप्लीट कर दी। ठीक है, और मैं इसे रिफ्रेश कर, सॉरी यहाँ से मैं इसे कॉपी फाइल पाथ नहीं करूँगा, सीधे ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, यहाँ से सीधे ब्राउज़र पे ओपन कर देगा। ठीक है, और ये मेरी हेडिंग आ चुकी है। ठीक है, अभी ये देख पा रहे हैं आप कि हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा अजीब और गरीब नज़र आ रहा है, जो कि हमें बढ़िया नहीं लग रहा। हम चाहते हैं इसका थोड़ा इटैलिक टाइप में हो जाए, तो हम यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, H1 को यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, H1 टैग को यूज किया सिंपल नेम से। एंड मैंने यहाँ पे क्या, एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने अभी आपको बताई, font-style। ठीक है, और इसकी कॉलन वैल्यूज दे देंगे हम, लाइक इटैलिक। ठीक है, हम इटैलिक चाहते हैं तो इटैलिक लिख दिया डायरेक्ट। और अब देखिएगा, मैंने सेव करा और रिफ्रेश कर दिया, देख सकते हैं आप गाइस कि यहाँ पे जो है दिस इज अ हेडिंग जो है आपको इटैलिक में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं नॉर्मल में भी कर सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं इजिली। ठीक है, नॉर्मल किया एंड यहाँ से आपने रिफ्रेश किया। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है, नॉर्मल करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको समझ में आएगा ये प्रॉपर्टी। तो बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने सीख ली, और जिन्होंने नहीं सीखी वो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, और कोई भी कमेंट करना हो या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड करें, तो आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।